हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड। आज मैं बात करने वाला हूँ एनएसई ने जो वीकली एक्सपायरी शुरू की है, वीकली ऑप्शन शुरू किए निफ्टी इंडेक्स में, उसके बारे में, उसके कुछ पॉइंट्स और इनिशियल कुछ ऑब्जर्वेशंस जो मैंने ऑब्जर्व किए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये एक एनएसई का बेसिक सर्कुलर है, ये 18 दिसंबर 2018 में आया था और इस सर्कुलर में उन्होंने डिटेल दिए थे कि निफ्टी के जो वीकली ऑप्शन है वो शुरू करने जा रहे हैं। ये निफ्टी का सिंबल था। अगर आप आपके जो ज़ीरोधा या फिर ICICI है, जो भी उसके अंदर सर्च बॉक्स है जहाँ पे एक ऑप्शंस का नाम सर्च किया जाता है, वहाँ पे अगर आप सर्च करते थे कि निफ्टी, तो निफ्टी 14 फरवरी या फिर 21 फरवरी या फिर मंथली एक्सपायरी के लिए 28 फरवरी सर्च करते, तो आपको ये वीकली उसके अंदर दो दिख के आते थे। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट साइकिल 7 वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे और ये ऑब्वियसली जो थर्सडे को एक्सपायर होते हैं उसी तरीके से एक्सपायर होने वाले होंगे। और बाकी इनका जो लॉट साइज़ है वो 75 रखा गया है पहले के जैसे। बाकी ये सर्कुलर में तो डिटेल ज़्यादा कुछ दिए नहीं थे। तो ये निफ्टी का ग्राफ है लास्ट 1 मंथ का। तो आप देख सकते हैं कि रिसेंटली इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी एक छोटा सा। अगर आप लास्ट मोस्टली कितना नवंबर से लेकर फरवरी तक का टाइम देखेंगे तो मोस्टली सेम लेवल पे हॉवर कर रहा है निफ्टी। तो रिसेंटली एक 5 डेज़ बैक बजट के दिन या बजट के 2 दिन पहले एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था, मगर वो ब्रेकआउट ब्रेक होके जैसे ही रिलायंस का स्टॉक या फिर L&T का स्टॉक नीचे आया तो ये उसी के साथ नीचे आ गया। साथ में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ONGC और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनके में 5-5% की गिरावट थी। तो ये सब स्टॉक्स ने आज निफ्टी को ड्रैग डाउन किया। तो ओवरऑल उसका इफ़ेक्ट भी ऑप्शन चेन पे हुआ। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 फरवरी का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 14 फरवरी, 21 फरवरी, 28 फरवरी और फिर 7 मार्च, 14 मार्च, 20 मार्च, ऐसे 7 सीरीज़ आपको वीकली एक्सपायरीज़ के अवेलेबल है। जो मंथली एक्सपायरी है इसके अंदर वो 28 फरवरी की सेम कॉन्स्टेंट है। ओके, तो ये NSE की साइट पे होम में लाइव मार्केट में उसके में ऑप्शन चेन, उसमें इक्विटी डेरिवेटिव्स और फिर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में से, या फिर डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेंगे ऑप्शन चेन तो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट जनरली तो ओपन इंटरेस्ट जो होता है, जो ओपन पोजिशन होती है ऑप्शन में, वो लगभग 10 लाख 20 लाख ऐसे रेंज में होता है, मगर ये वीकली एक्सपायरी में इतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं दिखा ओपन इंटरेस्ट का कंपेयर टू मंथली एक्सपायरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉल ऑप्शन है इमीडिएट 10,900 का, उसका प्राइस लगभग 60 रुपये चल रहा था और पुट का लगभग 28 रुपये, 10,850 का, अगर 10,800 का पकड़ेंगे तो 16 रुपये चल रहा था। तो उनका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 6.5 लाख पोजीशंस है, उसके बाद में कॉल्स में वही 6 लाख के करीब ही है। तो ये हुआ वीकली जो इमीडिएट 4 या 5 दिन के बाद जो वीक ख़त्म होने वाला है थर्सडे को वीकली एक्सपायरी का, तो ये उसके पोजीशंस ओपन पोजीशंस है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि जो एट द मनी का पुट का प्राइस है वो 45 रुपीज़ दिखा रहा है और एट द मनी का कॉल का जो प्राइस है वो 90 रुपीज़ दिखा रहा है। तो इसको हम लीनियरली कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो लगभग 2.5 महीने बाद, मतलब 2.5 हफ्ते बाद, सॉरी 2 हफ्ता और 4 दिन के बाद जब इसका एक्सपायरी होगा वीकली, तो उसके प्राइस क्या रेंज में हम देखते हैं, तो ये 113 पे चल रहा है और ये जो है वो 168 पे। अगर कॉल का बात, कॉल की बात करेंगे तो ये 2.5 गुना से थोड़ा कम चल रहा है अगर लीनियर एडिशन करके हम कंपेयर करते हैं, तो पुट फिर भी 2 गुना के ऊपर चल रहा है। तो ये इन टैंडम चल रहा है। तो अगर हम ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे तो उतने ही टाइम पीरियड के लिए, अगर हम मेरा ऑब्जर्वेशन है, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मंथली कॉल में अगर ट्रेड करते हैं तो हमें पुट में और कॉल में थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं मंथली एक्सपायरी में। अगर वही हम वीकली में कर रहे हैं तो फिलहाल की जो कंडीशन है उसमें वो थोड़े सस्ते लग रहे हैं,
और साथ में ये आउट ऑफ द मनी कॉल्स जो अगर आप कंबाइन स्ट्रेटेजी में यूज़ करते हैं, जब एक बाय करके ये पास के कॉल शॉर्ट करना या फिर वैसी स्ट्रेटेजीज में पुट में वगैरह, तो ये कॉल जो है ये 2-3 हफ्ते के अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखेंगे तो कॉस्टली लग रहा है। वही आप अगर वीकली कॉल्स देखते हैं, या फिर सपोज अभी जो स्टार्ट हुआ है 14 फरवरी को जो एक्सपायर होने वाला है, तो उसके अंदर यही कॉल आपको 1-2 रुपए के पर लॉट प्राइस पे मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही सस्ते हैं। तो ये एक पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया था। बाकी दोनों में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मोस्टली मंथली और इसमें करीब करीब ही चल रही है, वो थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग है, तो उसको पकड़ के इतना ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन मैंने नोट किया था। दूसरा, ओवरऑल अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करने की वजह बहुत सारे लोगों को मतलब खटक रही है, क्योंकि अब तक जो इसकी पॉलिसी रही है, मतलब एनएसई की या फिर सेबी की जो पॉलिसी रही है, वो स्पेक्यूलेशन को कर्व करने की कोशिश करते हैं, स्पेक्यूलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मार्केट की वोलेटिलिटी रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। मगर ये एक मूव जो समझा जा रहा है, इसके वजह से मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, मार्केट में स्पेक्यूलेशन को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक लॉट है, सपोज अभी ये 10,900 का अगर पुट हम पकड़ते हैं, तो ये 40-50 रेंज, 50 रुपीज़ के रेंज में मिल रहा है, जो कि अगर 75 का एक लॉट हम लोग पकड़ेंगे शेयर का, तो 2,500 से 3,000 रुपये में आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं पुट में, और कॉल में भी मोस्टली 3 से 4 हज़ार में, और थोड़ी सॉरी इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो कॉल थोड़े हायर साइड पे है मगर पुट थोड़े सस्ते हैं। तो मोस्टली जितने आपको मंथली एक्सपायरी के लिए पैसे लगेंगे, उसके 1/4 या फिर 1/3 पैसे में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो जिसके वजह से मार्केट में बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, या फिर जो लोग पहले शॉर्ट नहीं कर पाते थे या फिर सेल नहीं कर पाते थे, वो अभी इसके अंदर इजीली सेल कर सकते हैं कंपेयर टू मंथली एक्सपायरी। तो वैसे लोग अभी मार्केट में बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से इसका प्राइजिंग भी थोड़ा कम हो सकता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि इसका लॉट साइज़ तो कांस्टेंट रहा, मगर डेज कम होने की वजह से जो प्राइसिंग है पर स्ट्राइक का, वो बहुत कम हो गया है। कम से कम दाम में आपको ऑप्शन बाइंग और सेलिंग आप कर सकते हैं कम मार्जिन में, होपफुली। अभी तो पहला दिन है, तो इतने ज़्यादा कंक्लूजन निकालने में कुछ मतलब नहीं है। तो वो एक पॉइंट है जिसके वजह से मार्केट में स्पेकुलेशन और वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। एक ही सेकंड में बहुत सारे लोग मार्केट से बाहर जा सकते हैं सेल करके, या फिर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, जिसके वजह से ओवरऑल निफ्टी का जो प्राइसिंग है, जो कि आज 10,888 पे प्रोविजनल क्लोजिंग हुआ था, तो उस पर भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। एक प्लस पॉइंट उसमें है जो हम मान सकते हैं कि जिसके वजह से एनएसई ने या फिर सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो ये है कि अगर ऑप्शन सस्ते हो जाते हैं, तो आपका सपोज पोर्टफोलियो है बहुत छोटा है और आप उसको हेज करना चाहते हैं, तो पहले क्या होता था, आपको 10 से 15 हज़ार का एक कॉल या फिर पुट बाय करना पड़ता था, जो भी डायरेक्शन में आप हेज करना चाहते हैं। सपोज आपका 1-2 लाख 4-5 लाख का पोर्टफोलियो है, उसको आपको हेज करना है और आप एक कॉल बाय करना चाहते हैं, तो आपको उसको एक महीने के लिए आपको 10 से 15 हज़ार आपके खर्च हो जाते थे, अगर आप वो महीना भर तक होल्ड करते। एक सिंपल स्ट्रेटेजी मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो वही अभी आपको 2 से 3 या 3 से 4 हज़ार में आपका पोर्टफोलियो जो है वो 75 लॉट्स के, निफ्टी के लॉट्स के हिसाब से हेज कर सकते हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट है। उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, जैसे कि आपका कोरिलेशन कितना है निफ्टी के साथ आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का, तो वो एक अलग कैलकुलेशन का पॉइंट है। तो वो एक पॉइंट है कि हेजिंग इसके वजह से आसान हो जाएगी। वोलेटिलिटी तो हर हर बार जैसे बैंक निफ्टी में होता है, अगर आप बैंक निफ्टी देखते हैं, यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, तो बैंक निफ्टी में पहले से वीकली ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसके अंदर मोस्टली हर थर्सडे को एक बड़ा मूव आ जाता है। बैंक निफ्टी 400 से 500 पॉइंट ऊपर से नीचे ऐसे जूम करता है, उसके जो करंट लेवल होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता मगर बहुत बार ऐसा होता है, और कोई वो जानबूझ के नहीं करता है, तो कंटिन्यू उस दिन जो एक्सपायर होने वाले ऑप्शन होते हैं वो उसी दिन एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी जो भी वैल्यू होती है वो ऑप्शन सेलर को एज अ
इजी मनी करके मिल जाता है, तो उसके अंदर रिस्क उसको कम लगता है, तो बहुत सारे लोग उसमें सेल करने आ जाते हैं। तो वो सेलर्स को पकड़ने के लिए बहुत सारे बायर्स भी एंटर करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल सेलर्स भी अभी आ गए, तो वो आ जाते हैं। तो वो चक्कर में बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट मूव करता है, तो वो एक पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी का हर थर्सडे को मूवमेंट होता है। तो कंपेरेटिवली हर थर्सडे को निफ्टी का मूवमेंट ऐसा नहीं हुआ करता था, इतना मूव उसमें नहीं आया कि निफ्टी के अंदर बैंक्स का कंट्रीब्यूशन है 30-40% समथिंग, तो उसके वजह से मूव आता था मगर इतना ज़्यादा नहीं आता था। मगर अभी थर्सडे को एक्सपायरी, हर थर्सडे को एक्सपायरी होगी, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, तो दोनों के अंदर डाइवर्जेंस वगैरह भी आ सकता है कि निफ्टी अचानक से 100-200 पॉइंट ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों को मूवमेंट के लिए स्कोप हो जाता है और फैसिलिटेट हो जाता है मूवमेंट्स, और उसको पुश करने वाले बहुत सारे लोग मार्केट में एंटर करते हैं, तो वो एक पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है। और भी ये तो फर्स्ट डे था निफ्टी का, इसमें एक पॉइंट और एक अगर बताने जैसा, अगर कॉल के बारे में कहा जाए तो निफ्टी का 10,800 का अगर आप कॉल पकड़ते हैं तो 126 का इसका प्राइसिंग चल रहा है, और अगर सपोज इसी दिन हम इसको एक्सपायरी अज्यूम करते हैं तो 880 पॉइंट इसमें से माइनस करते हुए बचते हैं 90, 10, 20, 30, 36, 38 पॉइंट्स का टाइम वैल्यू का प्रीमियम पे ये चल रहा है। तो अगर इसी दिन निफ्टी एक्सपायर हो जाता है तो ये 36 रुपीज़ का एक वीक का, 4 दिन का जो टाइम वैल्यू है 10,800 का कॉल 36 रुपीज़ का कैरी कर रहा है, जो कि बहुत ही लुभावनी है बहुत सारे लोगों के लिए। ये जो टाइम वैल्यू है ये 7 दिन में धीरे धीरे एरोड हो जाती है, जो एक्चुअल इंट्रेंसिक वैल्यू है 10,000 निफ्टी माइनस 10,800 फॉर कॉल और निफ्टी और 10,900 माइनस निफ्टी फॉर पुट, तो उतनी जो भी वैल्यू है उसके लिए बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट करने चले आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी आ गया है, जो लोग सही से ट्रेड करना जानते हैं, रिस्क मैनेज करना जानते हैं, तो उनके लिए एक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है कि वो मार्केट को हेज प्रोवाइड करें और ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी भी बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट डे के मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे निफ्टी और जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी शुरू हुई है उसके बारे में। तो आज मोस्टली निफ्टी तो फ्लैट ही रहा, मोस्टली गैप डाउन ओपनिंग की वजह से वो बाद में राइज नहीं कर पाया, थोड़े से अप मूव्स आए थे मगर कंटिन्यू एलएनटी का जो बायबैक था शायद वो लोगों ने निगेटिवली लिया कि बायबैक सेबी ने कैंसिल करवा दिया, और रिलायंस भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पकड़ रहा है, छोटा सा 1250 तक वो रुका था, तो वो एक पॉइंट था। और साथ में जो बैंक्स के रेट कट्स हुए और गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए पुश कर रही है, तो उसके बारे में जो न्यूज़ थी, तो वो चक्कर में बैंक निफ्टी पे भी बहुत जोर था, बैंक्स पे तो बहुत सारे बैंक्स पे और एनबीएफसीज पे खास करके, जिनकी कैपेसिटी नहीं रहती इंटरेस्ट रेट कट को बियर करने की ज़्यादा, या फिर उसके रिलेटेड इश्यूज़ को, तो उस वजह से ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेस था। साथ में चाइना और अमेरिका का जो डिस्कशन चल रहा है अमेरिका के अंदर, तो वो भी लास्ट फेज पे, 1 मार्च से वापस चाइना पे टैरिफ के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो चालू होने की आशंका जताई जा रही है। साथ में जो निफ्टी का ओवरऑल और साथ में इंटरनेशनल मार्केट पे शटडाउन फियर्स भी लूम कर रहे हैं कि अमेरिका शटडाउन में वापस जा सकता है, तो उसके वजह से ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट होता है, तो वो सब चीज़ों की वजह से निफ्टी पे भी जोर था शायद, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि इतना थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा था। तो ये मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कोई रिकमेंडेशन या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्लीज़ मेरा जो डिस्क्लोजर है उसको रेफ़र कीजिए वीडियो के नीचे, शेयर मार्केट फ्रेंड को सुनने के लिए। और ये एक मेरा थोड़ा सा जो डिस्कशन था रिलेटेड टू वीकली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी, वो सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने लास्ट कुछ वीडियोस बनाए अलग अलग कंपनीज़ के एनुअल रिपोर्ट पे और ओवरऑल जनरल पॉइंट्स पे, तो इफ़ यू लाइक यू कैन चेक इट इन वीडियो सेक्शन, जो शेयर मार्केट फ्रेंड पे क्लिक करके आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। शेयर मार्केट फ्रेंड को सुनने के लिए थैंक यू।